हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है सुबह के बज चुके हैं 6 और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ नींबू वाली चाय, क्योंकि हमारे घर में चाय वैसे बहुत कम बनती है, पर नींबू वाली चाय हस्बैंड जी को थोड़ी सी मतलब इच्छा होगी पीने की, तो सोचा बना लूँ और खुद के लिए भी बना रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा आगे का। लगे हैं हस्बैंड जी, ये देखिए ईमानदारी से। और यहाँ पे ये लकड़ियाँ होगी इतनी सारी, हमारे पैसे के साथ खरीदा है हमने पेड़, मतलब ये। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बोले हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आप कैसे हो ये भी बताओ। मैं ठीक हूँ। गाइस, हम सुबह सुबह यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे खेतों में पड़ी हुई है, तो सोचा नीचे ले जाते हैं क्योंकि खेतों की सफाई करनी है लोगों ने, तो घास के लिए। तो हस्बैंड जी भी बैठे हैं और चाय पी रहे हैं नींबू वाली, क्योंकि पेट दर्द लगी है तो सोचा चाय पी लेते हैं सुबह सुबह। और जल्दी जल्दी से हम ये काम कर लेते हैं जितना हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड ने तो फिर जाना है। तो चलिए कर लेते हैं काम और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लकड़ियाँ काट रहे थे और नीचे को ढो रहे थे, और दीपू वीडियो क्लिप बना रहा था और हनी भी ढोने लगा था, और हस्बैंड जी छोटे छोटे पीस कर रहे थे और हम जो है उठा के उनको नीचे घर के पास धो रहे थे। तो इतनी सारी लकड़ियाँ हमने सारी यहाँ पे, हस्बैंड जी को मक्खियाँ काटने लगी थी तो शॉर्ट से डाले हैं, तो ऐसा ही होगा भाई। हमने यहाँ से सारी लकड़ियाँ नीचे को मतलब ले ढो ली, मतलब यहाँ पे रही है थोड़ी सी, और अभी यहाँ से ढोई दी मैक्सिमम सारी, नीचे को ढेर लगा दी है और थोड़ी सी रही ये बड़े बड़े से, ये बाद में देखने पड़ेंगे क्योंकि अभी तो ये हिलेंगे भी नहीं। और यहाँ पे अखिलेश के दादाजी जो है ऊन निकाल रहे थे भेड़ों की, ये देखिए हाथों के साथ, सोचा आप लोगों को दिखाएं। तो फ्रेंड, यहाँ पे कर रही हूँ प्याज की, जो प्याज को निकाल रही हूँ, तो अभी मैं सारा प्याज निकाल लूँगी फिर बताऊँगी आप लोगों को। ये एक ही खेत लगाया है और अच्छा नहीं हुआ इस बार ज़्यादा, तो पहले निकाल लेती हूँ पूरा फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो फ्रेंड, मैंने जो प्याज शाम को निकाल के रखा था, ये देखिए एक ढेर इधर है, एक है, ये है और वहाँ पे है, ये थोड़ा सा इधर ही है, तो इसको मैं एक इसमें किरडे में डाल के ले जा रही हूँ, छाया में जाके काटूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो धूप बहुत ही ज़्यादा है और ऊपर से मुझे लगती है प्याज की वजह से आँखों में मिर्चें, तो मैं क्या कर रही हूँ कि किरडे में ले जाके इसको छाया में काटूँगी। तो चलिए ले जाती हूँ। फ्रेंड, प्याज को मैंने मतलब उखाड़ लिया है ज़मीन से, तो कट इसको मैं सुबह करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और प्याज कुछ अच्छा नहीं हुआ इस बार, मतलब ये जो प्याज के वो है डंठल है, वो गांठ है, वो बहुत हल्के हल्के से पड़े हैं डेलू, और इनको मैं सुबह काटूँगी। थोड़े से नीचे वाले खेत में है, थोड़े से ये है, ये सासू जी के लिए लगाए हैं, थोड़े से और देने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पर हूँ अपनी गौशाला के पास, ये देखिए ये मैं अपनी गौशाला के पास हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रोटी बनाने जा रही हूँ तो सासू जी के लिए, तो सोच रही हूँ कि लकड़ियाँ भी ले जाऊँ क्योंकि लकड़ियाँ भी उनसे नहीं लाई जाती है। तो यहाँ पे रखे थे मैंने रीढ़े बांध के,
तो इनको रस्सी में भर के ले जा रही हूँ, एक साथ ले जा रही हूँ, सोचा एक साथ ले जाऊँ क्योंकि बार बार तो इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए भर लेती हूँ और फिर ले जाती हूँ ऊपर, फिर मिलते हैं अगले काम में जब भी अगला काम करूँगी। ये देखिए फ्रेंड हसन जी आ रहे आज खाना खाने, वैसे तो मार्केट में ही खाते थे पर आज घर आ रहे हैं, तो ईद का चांद पता नहीं कैसे निकला आज फिर से। अरे देख ले पारफ्रा बड़े हैंडसम लग कर दे, सुन देख ले थी मोट स्मार्ट लग करता। बाय कर देता एक बारी, बाय कर ला, बाय कर दे प्लीज। बाय, देखा बाय बस। और गाइस ये है पहले दिन की वीडियो क्लिप, ये भी मैंने इसी में ऐड कर दी है क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को है था नहीं मेरे पास। और हस्बैंड जी कभी कभी बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही प्यारे से। और यहाँ पे मेरे फ्लावर्स जो है खिल गए थे, सोचा सबको एक साथ दिखा लूँ थोड़ा थोड़ा सा। अभी बस यही फ्लावर खिले हुए हैं, ये वाले बहुत प्यारे हैं। और फ्रेंड बारिश हो नहीं रही है और ये देखिए मिर्ची लगाई है और ये भी सूख रही है और यहाँ पे फ्रास्टबिन हो गई है निकालने के लिए, दूसरी बार निकाल रही हूँ। और ये भी सूख रहे हैं बेचारे क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और नलके में पानी नहीं है, पता नहीं हमारे घर में कब पानी अच्छे से होगा। यहाँ पे अगर पानी की कमी होने लग पड़ी तो शहरों में क्या होगा, हमारे यहाँ पे पानी नहीं होता है या फिर हमारे ही नहीं होता है, पता नहीं सारे गांव में होता है या फिर हमारे ही नहीं होता है, तो पता नहीं ये तो देखना पड़ेगा। और वहाँ पे लगाई है ये फ्रास्टबिन तो पूरी देखिए सूख रहे हैं इनके पत्ते, बहुत बुरी हाल हो गई। और इतनी अच्छी फ्रास्टबिन हो रही थी ये देखिए फ्रेंड, एक ही पौधे में इतनी सारी फ्रास्टबिन लगी है, क्या फ़ायदा। और यहाँ पे सरसों का भी हो गया एक पौधा। तो फ्रेंड अभी जो है शाम हो चुकी है और 6:30 बजने को आके है और ठंडा बहुत है इस टाइम क्योंकि हवा चली है बहुत ज़्यादा, और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अभी मैं अकेली जा रही हूँ सड़क में और सोचा चलते चलते आप लोगों को थोड़ा सा व्यू शेयर करूँ। मैं खेतों में गई थी धान के खेतों की सफाई करने, थोड़ा सा व्यू जाते जाते बताऊँगी आप लोगों को। और ये देखिए ये बीन्स के पेड़ हैं बहुत ही प्यारे, हवादार, मतलब इससे हवा बहुत ज़्यादा आती है, छाया देते हैं ये बहुत ठंडी ठंडी। और कच्ची सड़क है गाइस, अभी बहुत मुश्किल है इस सड़क में गाड़ी लाना, बहुत गड़गड़ होती है। और यहाँ पे अभी घर बनाया है आर्मी में लड़का उसने, मौसम देखिए बादल ऐसे थोड़े थोड़े से पर तो फ्रेंड ब्लॉग का भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग प्लीज कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना शेयर करना और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि अनसब्सक्राइब लोग ही मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज सपोर्ट।